इंडिया में करेंटली ऑयल प्राइस अपने ऑल टाइम हाई पे है, विच इज़ अराउंड 88 रुपीज़ पर लीटर इन दिल्ली एंड अराउंड 95 रुपीज़ इन मुंबई। बट मजे की बात तो यह है कि यही सेम पेट्रोल जो नेपाल इंडिया से खरीदता है वो उनके कंज्यूमर तक अराउंड 58 इंडियन रुपीज़ पर लीटर में पहुंच जाता है, बट इंडिया के लोकल कस्टमर्स को ये अराउंड 80-90-100 रुपीज़ पर लीटर तक मिलता है। वर्ल्ड की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी जो कि जामनगर ऑयल रिफाइनरी है वो इंडिया के गुजरात में ही है। इसके चलते इंडिया उन टॉप 5 कंट्रीज में से है जो वर्ल्ड वाइड पेट्रोलियम प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं, बट इंडिया थर्ड लार्जेस्ट क्रूड ऑयल इंपोर्टर भी है जो अपना 70-80% क्रूड ऑयल बाहर से ही इंपोर्ट करता है। इंडिया ने अराउंड 270 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया था इन द ईयर 1920, व्हिच वैल्यूज अराउंड 120 बिलियन USD and account for around 1/4 of the Indian total import basket. Petroleum products का around 2% contribution है हमारे total GDP में, but वो export से नहीं आता, वो आता है आपका excise duty और value added taxes से जो कि end customer से वसूल किया जाता है। Petroleum products alone contributes around 80-90% of all the excise duty collected by the Union government. Accounts for around 24% of all the indirect taxes collected nationwide in the year 2018 and 19. The taxes consist of excise duty which is collected by the central government and value added taxes which is collected by the state government. Petroleum ही वो मुर्गी है जो करेंटली सरकार के लिए सोने के अंडे दे रही है, बट एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि अगर सरकार ने जल्दी ही किसी रेवेन्यू का कोई और सोर्स नहीं ढूंढा तो देन पीपल में स्विच टू सम अदर रिसोर्सेज लाइक इलेक्ट्रिसिटी और CNG, एंड ये मुर्गी में भी ज़्यादा दिन तक ये सोने के अंडे ना दे पाए। द सेंटर इज करेंटली चार्जिंग अराउंड 125% एज एक्साइज ड्यूटी एंड द स्टेट इज कलेक्टिंग अराउंड 72% एज वैल्यू एडेड टैक्सेस, प्लस एडिंग 3-4 रुपीज़ पर लीटर बाय द पेट्रोल पंप ओनर। यही सेम पेट्रोल जो नेपाल में 58-59 रुपीज़ का बिकता है वही सेम पेट्रोल इंडिया में रिफाइन होने के बाद ही इंडिया के कस्टमर्स तक अराउंड 80-90 रुपीज़ का पहुँचता है, डिपेंडिंग ऑन विच स्टेट आप कौन से स्टेट में रहते हैं।